चलो देखो, लास्ट लेक्चर में आपने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ी थी, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो लास्ट लेक्चर में आपने, जैसे मैंने बताया कि आपने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ी थी, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, वो आपने कंप्लीट पढ़ा, उसका कंसेप्ट हमने स्टडी किया, और उसी के साथ साथ हमने उसके लिए एक एक्सप्रेशन भी डिराइव किया था। मैं यहाँ पे भी दोबारा लिखूंगा। उस एक्सप्रेशन के बाद हमने आज डिस्कस करना है डी ब्रोगली की सिग्निफिकेंस। कल मैंने आपको ये बताया था, जब आप डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ते हैं तो वहां पे दो कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं। एक तो ये कंडीशन थी कि हमारा जो पार्टिकल होगा वो मोशन के अंदर होना चाहिए, और दूसरी चीज मैंने ये बोली थी कि डी ब्रोगली जो है वो आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब जो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होती हैं वो ही ड्यूल नेचर शो करती हैं। वो एज ए मैटर भी बिहेव कर सकते हैं, एज ए पार्टिकल भी बिहेव कर सकते हैं, और एज ए वेव भी बिहेव कर सकते हैं। तो आज आप डी ब्रोगली को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आप डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में कुछ एक बातें करेंगे, क्योंकि बोहर मॉडल के अंदर वो सब चीजें यूज होती हैं। और फिर आप बोहर मॉडल के पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी आज डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो अपने को आज पढ़नी है। तो आप स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कल जैसे मैंने बताया कि आप डिस्कस कर रहे थे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिसको आप ड्यूल नेचर ऑफ मैटर भी बोल देते हो। इसमें मैंने आपको बेसिकली ये बताया था, अगर हमारे पास कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मोशन में है तो वो ड्यूल नेचर पोजेस करेगा। हमारा जो वो सब्सटेंस होगा वो एज ए पार्टिकल भी बिहेव करेगा, एज ए वेव भी बिहेव करेगा। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, या हमारे एटम मॉलिक्यूल हो गए, ये हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये ड्यूल नेचर शो करेंगे, ये सब एज ए पार्टिकल भी बिहेव करेंगे और एज ए वेव भी बिहेव करेंगे। तो अगर ये सारे स्पीशीज वेव नेचर शो करती हैं तो इनके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी जिसे हम मैटर वेव बोलेंगे। उस मैटर वेव की वेवलेंथ हमने कल कैलकुलेट की थी, क्या हमारे पास वैल्यू आई थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। लैम्डा था यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, एच था हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू मैंने कल बताई थी 6.626 इंटू 10^34, सॉरी -34 जूल सेकेंड्स, और एम था हमारे पास मास ऑफ द पार्टिकल। और यहां पे वेलोसिटी थी अपने पास वी था अपने पास सॉरी वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। तो ये चीजें आपने कल डिस्कस कर ली थी। आज मैंने आपको ये बताना था कि जो हमारे पास हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन है वो लार्जर मैटर पार्टिकल्स पे अप्लाई क्यों नहीं होता। आप सब हो गए, मैं हो गया, सपोज करो मैं भी मैटर हूं तो मैं मोशन में हूं, मैं रनिंग कर रहा हूं। अगर मैं रनिंग करूंगा तो मेरे साथ वेव एसोसिएटेड होनी चाहिए, लेकिन उसका आंसर हमें क्या मिला, हमें इसका ये आंसर मिला कि जो हमारे पास वेव एसोसिएशन वाला काम है वो वेव एसोसिएटेड होती है सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ। ऐसा क्यों, उसका रीजन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखो। एक्चुअल में हमारे पास ये इक्वेशन है, यहां पे डिनोमिनेटर में अपने पास आ रहा है मास इनटू वेलोसिटी। अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में हमारे पास एक टर्म होती है मोमेंटम, उस मोमेंटम को आप कैसे डिफाइन करते हो, मास इनटू वेलोसिटी करके। तो एक्चुअल में हमारे पास जो मोमेंटम है वो मोमेंटम आ रहा है डिनोमिनेटर में। आप यहां से क्या देख रहे हो, हमारे पास हमारी इक्वेशन बन गई लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, पी यहां पे मोमेंटम है। तो हमारी जो मैटर वेव है, मैटर वेव की जो वेवलेंथ है वो हमारी मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, यहां से रिलेशन निकाल लिया मैंने।
यानी कि जो भी हमारा मैटर है उस मैटर का जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी, और वेवलेंथ इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास जो डिवाइसेस हैं वो उसको ऑब्जर्व ही ना कर पाएंगे। यही दिक्कत आ रही है हमारे साथ। सपोज करो आपने मेरा जो है वो ड्यूल नेचर मानकर मेरे साथ जो मैटर वेव एसोसिएटेड होगी आपने उसकी वैल्यू निकालनी है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो देखो सपोज करो मेरा जो वेट है वो 70 केजी है, मेरा वेट अगर 70 केजी है तो मेरा मास आ जाएगा 70,000 ग्राम। और सपोज करो मैं फुल स्पीड पे भाग रहा हूं, फुल स्पीड पे भागने पे सपोज करो मेरी स्पीड जो है, मेरी जो वेलोसिटी है वो है 8 किलोमीटर पर आवर। इसको जब मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 8,000/3600, लगभग लगभग 2 मीटर पर सेकंड। मैंने वैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली, तो ये मेरे पास मेरा मास आ गया, ये मेरे पास मेरी वेलोसिटी आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, क्योंकि मैंने मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास मोमेंटम की वैल्यू क्या आई, 70,000 × 2, यानी कि मेरे पास वैल्यू आई 1,40,000। तो मोमेंटम की वैल्यू इतनी ज्यादा आ रही है, इतनी ज्यादा मोमेंटम की वैल्यू के लिए वेवलेंथ की वैल्यू तो बहुत छोटी हो जाएगी। वो वेवलेंथ की वैल्यू इतनी छोटी हो जाती है कि उसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये हमें आंसर मिला कि डी ब्रोगली को आप हैवियर बॉडीज के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते। अगर आप बड़े साइज के पार्टिकल्स के लिए मैटर वेव ढूंढने की कोशिश करते हैं तो बड़े साइज के पार्टिकल्स का मास ज्यादा होगा, मोमेंटम की वैल्यू ज्यादा आएगी, जिस वजह से डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू काफी कम आती है। वो इतनी कम आती है कि हम उसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो इसलिए हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होती हैं, बड़े साइज के जो पार्टिकल होती हैं वो ड्यूल नेचर शो नहीं करती, क्योंकि उनके साथ जो वेव एसोसिएटेड है वो वेव हमारी काफी नेग्लिजिबल है। तो ये हमारे पास हमारा आंसर था। इसको आप नोट्स के अंदर पढ़ोगे सिग्निफिकेंस के टॉपिक में, डी ब्रोगली इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो यहाँ पे मैंने सिग्निफिकेंस बताया, डी ब्रोगली रिलेशन को आप सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मोमेंटम आएगा कम, मोमेंटम कम आने पे वेवलेंथ आएगी ज्यादा, हम उस वेव को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर पाएंगे। लेकिन हैवियर बॉडीज के लिए मोमेंटम ज्यादा आता है, उस वजह से वेवलेंथ की वैल्यू कम आती है, इतनी कम आती है कि आप उसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई हैवियर बॉडीज के लिए हम डी ब्रोगली रिलेशन को नहीं पढ़ सकते, हैवियर बॉडीज के लिए ड्यूल नेचर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमारे पास हमारी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो फटाफट प्लीज। चलिए एक बार मोमेंटम वाला नहीं समझ गया बच्चे, मैंने आपको मोमेंटम वाला यहाँ पे ये बताया। देखो मैं आपको ना एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे देता हूँ, उस पर्टिकुलर एग्जांपल से आपको बेटर समझ में आ जाएगा। मैं सिंपल से ही एग्जांपल ले लेता हूँ, ज्यादा लंबा चौड़ा एग्जांपल नहीं लूंगा। ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, उससे आपको बेटर समझ में आएगा, उसी के साथ साथ अपनी इस फॉर्मूला की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अपने को न्यूमेरिकल कैसे करने होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन आ गया हमारे पास, मेरे पास एक क्रिकेट बॉल है, उस क्रिकेट बॉल का जो मास है वो मास है बच्चे 250 ग्राम। सपोज करो एक क्रिकेट बॉल है मेरे पास, उसका मास है हमारे पास 250 ग्राम। क्रिकेट मैच चल रहा है, बॉलर ने बॉल फेंकी, उसकी वेलोसिटी आई 130 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे क्या करना है, इस क्रिकेट बॉल के साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी उस वेव की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने क्या करना है, क्रिकेट बॉल की वेवलेंथ हमें निकालनी है। वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला है h/mv। तो यहां पे h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट पुट कर दूंगा, मास मेरे पास ऑलरेडी ग्राम में है पुट कर दूंगा, वेलोसिटी की वैल्यू मुझे निकालनी है। वेलोसिटी ना मुझे किलोमीटर में दी हुई है, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करूंगा,
इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो थाउजेंड से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 130,000। ये तो आ गया मीटर में। अब आर को सेकंड में कन्वर्ट करने हैं। एक आर में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मुझे 60 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3600। ये मीटर में, ये सेकंड में, तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ये मेरी वेलोसिटी आ गई। मैं इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ पे आएगा 18, यहाँ पे आएगा 650, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 325। 9 3 7, 5 5 9 6 जा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली मैंने, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 36 मीटर पर सेकंड। तो देखो एच मुझे पता है, एम गिवन था, वेलोसिटी को मैंने सॉल्व कर लिया। ये तीनों वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 6.626 इंटू 10^-34 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 36। तो इसको अब मैंने सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, देखो इसको एक बार मैं 6 मान लेता हूं, तो ये आ जाएगा 1.1। 6 के टेबल पे काट रहा हूं, ये तो कट गया 1.1, ये कटेगा 6 पे। फिर 6 1 6 6 2 12, यहाँ पे 0.2 आ जाएगा। ये 0.2 को सॉल्व कर लेता हूं मैं, यहाँ पे आ जाएगा 10 125, यहाँ पे आया 125। 1/125 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.008। ये 10 था, ऊपर चला गया, इंटू 10^-35। आंसर हमारे पास क्या आया, 250 ग्राम की बॉल के लिए जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है, उस वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 0.008 × 10^-35। तो आप मुझे खुद बताओ 10^-35 कितनी छोटी वेवलेंथ की वैल्यू आ रही है। इतनी छोटी वेवलेंथ को प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, तो हम यही बोलते हैं कि बड़े पार्टिकल्स के साथ वेव एसोसिएटेड नहीं है। तो यही मैं आपको बता रहा था मोमेंटम वाले केस में, जो हमारे पास हमारे बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बड़े पार्टिकल्स का मोमेंटम ज्यादा आएगा। अब नीचे मोमेंटम की वैल्यू ज्यादा आई, बड़े पार्टिकल्स का मोमेंटम ज्यादा आएगा। वेवलेंथ जो होती है वो मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम ज्यादा तो वेवलेंथ कम। इतनी कम वेवलेंथ आएगी कि आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब जो बड़े पार्टिकल्स होती हैं उनमें वेव ऑब्जर्व नहीं होती, वेव नेचर नहीं होता, सिर्फ पार्टिकल नेचर मान के चलेंगे। ड्यूल नेचर आप सिर्फ छोटे पार्टिकल्स के लिए मान सकते हो, बड़ों के लिए नहीं मान सकते। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई। अभी भी कोई डाउट है तो बोलो। सर चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपको पेपर के अंदर भी, पेपर में भी आपको यही सब चीजें जो होती हैं वो दी जाती हैं, आपको इनका यूज करना होता है। तो इनको एक बार ध्यान से देख लेना और इनकी प्रैक्टिस करना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना सही रहेगा। तो ये हमारे पास था हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का केस। यहाँ पे हमारा डी ब्रोगली केस जो है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट आपने डिस्कस करना है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हमारे पास यहाँ पे केस आ गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, टॉपिक आप स्टार्ट करें। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मैं अपने ट्यूशन पे प्लस वन का बैकअप बैच जो है वो लगाना चाहता हूं। जो बच्चे अभी न्यूली ज्वाइन हुए थे, जिन्होंने पहला चैप्टर नहीं किया हुआ या जिन्होंने कर भी रखा हो लेकिन वो दोबारा रिवाइज करवाना चाहते हो, तो मैं एक बैकअप बैच बना रहा हूँ। प्लस वन का बैकअप बैच बनेगा 3 बजे, वहां पे मैं एक बार दोबारा से सिलेबस जो है वो स्टार्ट करवाऊंगा, यानी कि फर्स्ट चैप्टर से। तो आप में से जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हो वो 3 बजे बैच लगा सकते हैं,
बैकअप बैच अलग है, ये वाला बैच अपना रेगुलर बैच है, ये अलग है, ये वाला रेगुलर बैच चलता रहेगा। तो जो भी बच्चा बैकअप जो भी बच्चा बैकअप बैच लगाने में इंटरेस्टेड है तो वो अपना बैकअप बैच जो है वो लगा सकता है। जैसे मैं ये वाला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे मैं बैकअप लेक्चर भी रिकॉर्ड करूंगा। तो अगर आपका मान लो कोई टॉपिक मिस भी हो जाता है तो आप चेक करते रहना, मैं वीडियो का लिंक सेंड कर दिया करूंगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना है तो आप वो भी समझ सकते हो वीडियोस को देख के, अदरवाइज आप लाइव क्लास में लगा सकते हो। तो जो जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो बता देना, अदरवाइज वैसे मैं एक मैसेज भी सेंड करूंगा अभी ग्रुप में थोड़ी देर तक, तो वहां से भी सब बच्चों को क्लियर हो जाएगा। 3 बजे का टाइम है बैकअप क्लास का, ये बता रहा था। चलिए तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हमें क्या चीज बताएगा उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, मैं आपको पहले ही एक एग्जांपल दे देता हूँ, उस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। सपोज करो कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, आज आपकी सुबह मैथ की क्लास नहीं लगी, जो मैथ वाले बच्चे हैं तो मॉर्निंग में मैथ वाली क्लास नहीं लगी, सपोज करो मैथ की क्लास की जो है वो छुट्टी हो गई, तो हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि 4 बजे केमिस्ट्री की क्लास होती है, उसी टाइम पे टीसी सर भी क्लास लगाएंगे, उसी टाइम पे मंगल सर भी क्लास लगाएंगे, टीसी सर इसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, इसी मीटिंग को ज्वाइन कर लेंगे, फिर एक साइड पे यानी कि एक वीडियो पे मैं पढ़ाऊंगा और एक वीडियो पे टीसी सर पढ़ाएंगे। या चलो ये काम करते हैं, मैंने टीसी सर को अपने घर बुला लिया, घर बुलाने के बाद मैंने बोर्ड को कर दिया 2 पार्ट्स में डिवाइड, मैंने बोला कि यहाँ पे मैं टीच करूंगा केमिस्ट्री और यहाँ पे टीसी सर टीच करेंगे मैथमेटिक्स, दोनों हम इकट्ठे पढ़ाएंगे। तो हुआ क्या, हम दोनों ने इकट्ठा बोलना स्टार्ट कर दिया, मैं यहाँ पे अपनी केमिस्ट्री टीच कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ हाइजनबर्ग क्या होता है, टीसी सर यहाँ पे अपना टीच कर रहे हैं, वो आपको सपोज करो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में बता रहे हैं ऐसा होता है वैसा होता है। तो आप सब बच्चों के साथ क्या होगा, आप सब बच्चे जो हैं अगर वो केमिस्ट्री पे ध्यान दोगे तो मैथ समझ में नहीं आएगा, अगर मैथ पे ध्यान दोगे तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, और अगर दोनों पे ध्यान दोगे तो दोनों में से कुछ समझ नहीं आएगा। एक बच्चा था वो दोनों पे ध्यान दे रहा था, तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला बता तूने क्या सीखा आज, कहता सर अब जब मोमेंटम को साइन थीटा कर देते हैं ना तो टेन थीटा जो होता है हमारा उसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा आती है। ऐसी अटपटी स्टेटमेंट क्यों दी उसने, क्योंकि वो दोनों चीजों पे ध्यान दे रहा था, तो कुछ चीजें यहां से बोल गया कुछ चीजें यहां से बोल गया, मिक्सअप हो गया, समझ में नहीं आया। तो यहां से आपने क्या चीज सीखी, हम 2 सब्जेक्ट्स को इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, अगर 2 सब्जेक्ट्स को इकट्ठा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो गलतियां करेंगे, पहली चीज आपने ये सीखी। दूसरी चीज आपने क्या सीखी, अगर आप केमिस्ट्री पे ध्यान दोगे तो मैथमेटिक्स में गलती करोगे क्योंकि वो आप नहीं पढ़ रहे, अगर आप मैथमेटिक्स पे ध्यान दोगे तो केमिस्ट्री में गलती करोगे। मेरे कहने का मतलब ये है एक बार में ढंग से आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, अगर दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें गलतियां आएंगी। यही है हमारा हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एग्जाम्पल बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर एग्जाम्पल था, सेम यही चीज बोलता है हमारा हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजनबर्ग ने 2 फिजिकल क्वांटिटीज चूज की, पहली फिजिकल क्वांटिटी चूज की इसने डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप एक्स से डिनोट करते हो, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी इसने चेंज जो है वो चूज की वो है मोमेंटम, जिसको आप पी से डिनोट करते हो। हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हाइजनबर्ग ने क्या बोला, कहता है कि हमारे पास कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ये भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ये बड़े पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहा, डी ब्रोगली में और हाइजनबर्ग में यही सिमिलैरिटी है, दोनों ने अपने जो भी लॉ दिए अपने जो भी प्रिंसिपल दिए वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे काम करते हैं, बड़े साइज के पार्टिकल्स पे काम नहीं करेंगे। तो हाइजनबर्ग ने हमें बोला अगर मैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेता हूं और वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मेरा मोशन नहीं है, मैं उसकी डिस्प्लेसमेंट भी स्टडी करना चाहता हूं और उसकी मोमेंटम भी स्टडी करना चाहता हूं, दोनों को साइमल्टेनियसली स्टडी करना चाहता हूं, साथ साथ स्टडी करना चाहता हूं, तो यहां पे क्या होगा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू करेक्ट वैल्यू पता कर लूंगा तो मोमेंटम में मिस्टेक करूंगा,
अगर मोमेंटम की सही वैल्यू पता कर लूंगा तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में मिस्टेक करूंगा। मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की दो क्वांटिटीज को एक्यूरेटली हम इकट्ठा मेजर नहीं कर सकते। एक बार में एक ही क्वांटिटी मेजर हो सकती है एक्यूरेट, अगर आप एक क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हो तो दूसरी क्वांटिटी जो है उसकी वैल्यू गलत आएंगी। ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन वर्ड है, मैं केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग नया वर्ड यूज कर लेता हूँ, वैल्यू जो है वो अनसर्टेन आएगी। अनसर्टेन का मतलब जो वैल्यू फिक्स ना हो। तो यही कहता है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या बोल रहा है इसने, फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल द डिस्प्लेसमेंट एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल कांट बी स्टडीड साइमल्टेनियसली विद सर्टेनिटी। क्या मीनिंग हुआ इसका, अगर आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को ले रहे हो और डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम को अगर आप इकट्ठा स्टडी कर रहे हो तो आप उन दोनों की स्टडी जो है वो साइमल्टेनियसली सर्टेनिटी के साथ नहीं कर सकते। सर्टेनिटी का मतलब फिक्स वैल्यूज के साथ नहीं कर सकते, आपको गलतियां मिलेंगी। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सर्टेन मिलेगी तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी, मोमेंटम में गलतियां आएंगी। अगर आप मोमेंटम को स्टडी करोगे मोमेंटम आपको सर्टेन मिलेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर गलतियां आएंगी। तो ये था हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हमने हाइजेनबर्ग को बोला कि सर डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, चलो आपकी बात मान गए, लेकिन हमें कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं तो चाहिए। अगर दोनों में अनसर्टेनिटी आ रही है, यहां पे भी अनसर्टेनिटी आ रही है, यहां पे भी अनसर्टेनिटी आ रही है, अगर दोनों में अनसर्टेनिटी आ रही है तो उस अनसर्टेनिटी की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हो सकती है। मतलब अगर मैं गलती करूंगा दोनों को इकट्ठा पढ़ते टाइम तो वो एरर जो है वो एरर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है ये हमें बताना। तो सपोज करो डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो अनसर्टेनिटी आ रही है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली मोमेंटम को पढ़ने में मैंने गलती की तो मोमेंटम के लिए हमारे पास आ गया डेल्टा पी। डेल्टा पी है हमारा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी होती है अगर आप इनका प्रोडक्ट लोगे तो इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय फोर पाई आएगा। मतलब जो हमारी अनसर्टेनिटीज थी, जो हमारा एरर था, उस एरर वैल्यू का जो प्रोडक्ट होगा वो एच बाय फोर पाई से हमेशा बड़ा ही आता है। ये हमारी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, हमेशा बड़ा आएगा या उसके इक्वल आएगा, उससे छोटा नहीं आ सकता। कम से कम इतनी तो अनसर्टेनिटी आएगी आएगी, इससे ज्यादा भी आ सकती है, इससे कम नहीं आएगी। एच के बारे में आपको पता ही है, लास्ट मैंने टॉपिक में बताया प्लैंक्स कांस्टेंट, फोर हमारा पर्टिकुलर कांस्टेंट है आपको पता ही है, और पाई हमारा 3.14 ये भी कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास हमारा रिलेशन होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का रिलेशन। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ जी बच्चे कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। नो सर। चलिए ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा, बहुत ही इजी था हमारे लिए, बहुत ही हमने आसान देखा इसको। तो मेन चीज मैं आपको बस यही बता रहा था, अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ो, देखो समझने के लिए सिंपल चीजें पता होनी चाहिए, पेपर में तो फिर अपने को पता ही है कि थोड़ी बहुत बुक वाली लैंग्वेज जो है, थोड़ी बहुत पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है वो लिख के आनी पड़ती है। आप सारी कहानी अपनी लैंग्वेज में बयान नहीं कर सकते, कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा था ना गलत वैल्यू, गलत वैल्यू इनएक्यूरेट, फिर मैंने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया अनसर्टेन,
तो इसी तरीके से कुछ वर्डिंग आपको यूज करनी पड़ती है प्रॉपर आंसर के लिए, तभी आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो बहुत ही इजी है, हम दो चीजों की मेजरमेंट सही तरीके से इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर एक पे ध्यान दूंगा तो दूसरे की वैल्यू जो है वो गलत हो जाएगी, अगर दूसरे पे ध्यान दूंगा तो पहले की वैल्यू गलत हो जाएगी, और अगर दोनों पे ध्यान दूंगा तो दोनों गलत हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला आया। इसी को मैं थोड़ा सा फर्दर मॉडिफाई करता हूं। देखो यहां पे मेरे पास पी यहां पे मेरे पास क्या था, मोमेंटम। मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां पे मैंने लिख दिया मास इनटू वेलोसिटी। अब आपा इक्वेशन में पी यूज नहीं कर रहे, आपा इक्वेशन में डेल्टा पी यूज कर रहे हैं। पी और डेल्टा पी में क्या फर्क है, पी है हमारे पास मोमेंटम, डेल्टा पी है हमारे पास अनसर्टेनिटी मोमेंटम। यानी कि मोमेंटम की वैल्यू में जो एरर है, जो डिफरेंस आ रहा है एरर की वजह से, उसको मैं डेल्टा पी बोल रहा हूं। डेल्टा रिप्रेजेंट्स लार्ज डिफरेंस इन द वैल्यू, जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी और जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, दोनों अलग अलग आ रही है क्योंकि गलती हो रही है, तो उन वैल्यूज में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आप डेल्टा पी बोल रहे हैं। तो डेल्टा पी मैंने निकाला, पी की वैल्यू तो मुझे गिवन है, टेकिंग डेल्टा बोथ साइड्स, यहां भी डेल्टा ले लेता हूं, यहां भी डेल्टा ले लेता हूं, दोनों साइड डेल्टा ले लिया। मैथ का रूल है, मैं किसी भी साइड के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकता कि तेरे को डेल्टा दे दिया तो मुझे अच्छा लगता है तू यहां से भाग जा। मैथ के अंदर ऐसा नहीं होता, जो भी स्टेप आप लोगे आपको लेफ्ट हैंड साइड भी लेना पड़ेगा, राइट हैंड साइड भी, दोनों साइड। तो मैंने दोनों साइड पे डेल्टा ले लिया। अब देखो डेल्टा पी इज इक्वल टू एम है मास, क्या मास कभी चेंज हो सकता है, नहीं। हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मास की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अगर मास की वैल्यू चेंज भी हो सकती तो मास के आगे डेल्टा नहीं आएगा, फिर किसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो सकती है। वेलोसिटी आप कम भी कर सकते हो ज्यादा भी कर सकते हो, वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड। तो यहाँ पे जो डेल्टा है वो एम पे अप्लाई नहीं होगा, एम तो बाहर आ जाएगा, वो अप्लाई हो जाएगा डेल्टा बी पे। तो इन शॉर्ट में आपको डेल्टा पी की वैल्यू बता रहा था, डेल्टा पी की वैल्यू होती है एम डेल्टा बी। यहां पे पुट कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। ये मास यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आगे डिवाइड में आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई, अनसर्टेनिटी इन डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम। एम है यहाँ पे मास ऑफ द पार्टिकल, जिस भी पार्टिकल की आप बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हमारा केस आ गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का दूसरा फॉर्मूला। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब आप थ्योरी पढ़ रहे होते हैं या थ्योरी लिख रहे होते हैं ना, तब अपने को ग्रेटर देन का साइन लगाना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल जो हमारे पास कैलकुलेशन है वो यहीं से आती है, या तो वैल्यू इक्वल आएगी या ग्रेटर आएगी। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, न्यूमेरिकल में हम यहाँ पे इक्वल का साइन यूज करते हैं, ग्रेटर देन नहीं लगाते। न्यूमेरिकल में हम दोनों क्वांटिटीज को, दोनों साइड्स को इक्वल मान लेते हैं अप्रोक्सीमेशन के लिए, ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो न्यूमेरिकल्स में आप इक्वल यूज करते हो, लेकिन जब आप थ्योरेटिकल इक्वेशन दे रहे हो तब आपको दोनों सिंबल शो करने हैं, ग्रेटर देन भी शो करना है, इक्वल टू भी शो करना है। ये हमारे पास हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई डाउट है तो बोल सकते हो बच्चे। चलिए तो यहां पे बच्चे मैंने आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के दो फॉर्मूलास बता दिए। अब थोड़ी सी रियलिटी में आपको बता देता हूं, आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो करने होते हैं। एक न्यूमेरिकल मैं भी करवाऊंगा अभी, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में सीधा पूछ लेते हैं।
तो एक न्यूमेरिकल मैं अभी आपको करवाऊंगा अभी वो इससे रिलेटेड है, बाकी आप बुक के अंदर चेक करो, बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। हाँ कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल होती है लेकिन वो तो करने से ही आएगी, जितनी कैलकुलेशंस करके देखोगे आपके लिए उतना सही रहेगा। तो मैं आपको ये बता रहा था न्यूमेरिकल्स के अंदर 90% न्यूमेरिकल्स के अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज होता है जो आपने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में निकाला। ये वाला फॉर्मूला रेयरली यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला काफी यूज होता है। इसी के बेसिस पे हाइजेनबर्ग का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नोट्स के अंदर भी मैंने ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन्स कांट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। अगर मैं थियोरेटिकली बात करूं तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में थोड़ी रहते हैं। आपने इससे पहले क्वांटम नंबर पे चार पांच दिन लगाए, चार पांच दिन अपने आपने बड़ी मेहनत से यूटिलाइज किए, तो इतना पढ़ के अपने को ये तो समझ में आई क्या कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में नहीं एग्जिस्ट करते। इलेक्ट्रॉन तो एग्जिस्ट करते हैं ऑर्बिटल्स में, जो होती है सब शेल्स में, जो होती है शेल्स में, और शेल होता है हमारे एटम के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, मतलब न्यूक्लियर पार्ट से बाहर। तो थ्योरेटिकली हमें ये बात पता है लेकिन हमें ये बात प्रूव करनी है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो आप क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे कुछ एक चीजें बता देता हूं ताकि आपको ये न्यूमेरिकल करने में दिक्कत ना आए, और पेपर में ये न्यूमेरिकल एज इट इज आएगा, कोई भी वैल्यू आपको गिवन नहीं होती, जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। तो आप इसको अभी सिर्फ और सिर्फ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल यूज करके ही प्रूव कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको प्रूव नहीं कर पाओगे। तो देखो आपने 10th क्लास में मैथ पढ़ी है, सभी ने 10th क्लास में आपके पास चॉइस थी कि आपको मैथ पढ़नी पड़ती थी, उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर था रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। उसमें मुझे पता नहीं है कौन सी एक्सरसाइज थी, शायद 1.2 या 1.3 एक्सरसाइज थी, जिसमें आपको रूट वाले नंबर दिए होते थे। क्वेश्चन आता था प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, ऐसे क्वेश्चन आते थे। तो आप उन क्वेश्चन को कैसे करते थे, उस क्वेश्चन को करने के लिए मेथड यूज करते थे, मेथड का नाम था कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। उस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में आप क्या करते हैं, पहले आप अपनी गिवन वैल्यू को सही मान लेते हैं कि चलो हमने मान लिया रूट 3 हमारा रैशनल है, उसके बाद आप कुछ एक स्टेप फॉलो करते हैं उसको रैशनल मान के, वो स्टेप्स हम एक गलत आंसर देते हैं तो हम ये बोलते हैं हमारा आंसर गलत आया क्योंकि हमारी स्टार्टिंग की एजम्पशन गलत थी। हमने स्टार्टिंग में ये अज्यूम कर लिया था कि रूट 3 रैशनल है, हेंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये पॉसिबल नहीं है, तो रूट 3 क्या हो गया, इरेशनल। अभी ये राम कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, क्योंकि यही मेथड अपने को यहां पे यूज करना है। आप कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में आप क्या बोलेंगे, सपोज करो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, हम ये मान लेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, और जब वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करेगा तो आप उसके वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। वेलोसिटी की वैल्यू आएगी लाइट की स्पीड से ज्यादा, जो कि पॉसिबल नहीं है, कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हमारी असम्पशन गलत हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में। तो आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही यूज करेंगे। पहली चीज तो मैंने आपको ये बतानी थी, दूसरी चीज मैंने आपको यहाँ पे क्या बतानी थी, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अपने को यहाँ पे वैल्यू यूज करनी है साइज ऑफ द न्यूक्लियस की, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। साइज ऑफ न्यूक्लियस हम एज्यूम करके चलते हैं 10^-15 मीटर का, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तीसरी वैल्यू आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10^-31 kg, तो ये वाली वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये चीजें थी, तीन चीजें मैंने आपको बताई,
तीन में से दो तो वैल्यूज हैं, एक मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया, अब आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, लेट अस अज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, हमने ये अज्यूम कर लिया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले अगर हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, देखो एक बार, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है तो वो न्यूक्लियस के बाहर तो नहीं जा सकता, उसके पास मूवमेंट करने के लिए सिर्फ इतना ही स्पेस अवेलेबल है। बच्चे किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो प्लीज। जतिन, थैंक यू। तो मैं ये बोल रहा था, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करेगा तो उसके पास मूवमेंट करने के लिए सिर्फ इतनी ही जगह है। कितनी जगह है? जितना न्यूक्लियस का साइज है। तो आप यहां पे क्या बोलोगे, अनसर्टेनिटी की वैल्यू आ जाएगी 10^-15 मीटर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर ही मूवमेंट शो कर सकता है तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी शो करेगा, इतनी शो करेगा, इससे ज्यादा शो नहीं कर सकता, ये साइज ऑफ न्यूक्लियस है। तो हमारे पास हमारे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 10^-15। अब देखो, अप्लाइंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाय 4πm। मैंने बोला था ना अपन न्यूमेरिकल में इक्वल यूज कर सकते हैं, तो यहां पे न्यूमेरिकल में ना इक्वल यूज करना। अब देखो, मुझे निकालनी है डेल्टा वी की वैल्यू, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आएगी, एच बाय 4πm इंटू डेल्टा एक्स। सारे के सारे कॉन्स्टेंट है, वैल्यू पुट कर देता हूं, 6.626 10^-34, 4 × 3.14, मास की वैल्यू 9.1 × 10^-31, और डेल्टा एक्स की वैल्यू थी 10^-15। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, जो अपने रैशनल नंबर्स हैं उनको मैं साइड पे कर रहा हूँ, रैशनल नंबर्स को एक बार सॉल्व नहीं कर रहा। तो ये आ जाएगा 6.626 4 × 3.14 × 9.1, ये बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, कितनी पावर हो जाएगी, -31 और -15, पावर हो जाएगी 10^-46। यहाँ पे ये ऊपर है 10^-34। बच्चे टाइम होने वाला है, क्लास कभी भी बंद हो सकती है, तो एक बार रीज्वाइन कर लेना 5 मिनट के लिए, ताकि मैं आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखा दूं। जैसे ही क्लास खत्म